यो धर्मप्रतिको विश्वास पनि अनौठो र अचम्मको रहेको छ। के तपाईं हामीले कहिले सोचेका छौं हामीहरू एक दिनमा सामान्यतया कतिसम्म पैदल यात्रा गर्न सक्छौं भनेर? त्यो पनि नाङ्गो खुट्टाले। सायद अहिलेको आधुनिक जमानामा हामीहरू यो परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। तर आउनुहोस्, आज हामीहरू एकजना त्यस्तै पात्रसँग हजुरको भेट गराउनेछौँ जसले भारतको उज्जैन महाकालको देखि नेपालको पशुपतिनाथसम्म र भारतको बाह्र ज्योतिर्लिङ्गको साथसाथै चार धामको यात्रा पैदल त्यो पनि नाङ्गो खुट्टाले गर्ने उद्देश्यको साथ आफ्नो लक्ष्यमा हिँड्नु भएको छ। हुन त चाहे भने यो संसारमा असम्भव केही पनि छैन, तर पनि भन्न र गर्न त पक्कै पनि एउटै। उज्जैनको महाकालदेखि नेपालको पशुपतिनाथसम्मको यात्रा गर्ने क्रममा उहाँलाई हामीहरूले यतिखेर सिन्धुली नजिक कमलामाई नदीको पुल छेउमा भेटेका छौँ र आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। जय भोले। तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भयो होला एकजना तीर्थयात्री पैदल हिँडेर नाङ्गो खुट्टा हिँडेर इन्डियाको मध्य प्रदेशदेखि नेपालको पशुपतिनाथसम्मको यात्रा गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ, आउनुहोस्। म उज्जैन महाकाल मध्य प्रदेश से चला हूँ, भारत से, जो कि मेरी यात्रा है 12 ज्योतिर्लिंग चारधाम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी 365 दिन की। आज मेरी यात्रा को 3 महीने और 22 दिन पूर्ण हो चुका है और मैं राजस्थान का निवासी हूँ, ग्राम देवनगर, तहसील वकानी, जिला झालावाड़। और मेरा नाम बलराम सेन है। छोटी सी फैमिली से बिलोंग करने वाला हूँ, लेकिन मेरा जज्बा देश के प्रति जागरूक है। मैं देश के लिए हमेशा आगे रहता हूँ, तो देश की कुछ भावनाएं लेकर के दिल में निकला हूँ, देश की सेवा करने के लिए निकला हूँ। मेरी यात्रा का जो मकसद है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना, भारत अखंड हो, विश्व में सुख शांति फैले, आने वाले कलयुग विनाश से हैं जनता को राहत दिलाने के लिए मैं निकला हूँ यात्रा पे। और मैं नेपाल के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। आज नेपाल में प्रवेश करते करते मेरे को 4 से 5 दिन हो गए नेपाल चलते चलते। नेपाल आप किस नाका से प्रवेश किए? मैं इधर भिट्टा मोड़ से प्रवेश किया है मैंने। तो नेपाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, नेपाल में मुझे इस प्रकार तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के क्रम में आप कहाँ कहाँ पे रुके हुए हैं और बैठने खाने के लिए क्या व्यवस्था हुई आपकी? देखिए, मैं जब नेपाल भिट्टा मोड़ बॉर्डर से घुसा था तो मैं अपने बालकेश्वर महादेव रुका था और फिर वहाँ से चला तो जनकपुर धाम, और जनकपुर धाम से निकला तो मैं डलकेश्वर रुका हुआ था, और डलकेश्वर से कल मैं यहाँ पे काला पानी जो रुका हुआ था, और आज वहाँ से चल रहा हूँ। तो आज मेरा रुकने का स्थान है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, सिंधौली रुकूंगा। खाने पीने बैठने के लिए कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है थोड़ा सा, नेपाल के अंदर देखिए कि हमें शुद्ध शाकाहारी आदमी और शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, और इधर जो है तो माहौल ऐसा है कि शुद्ध शाकाहारी खाना कम मिल पाता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज जो भी होता है। तो आप भारत से गौ माता के लिए और हिंदू सनातन, वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए प्रचार प्रसार में निकले हुए? हाँ, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मेरे को देख करके आप रुके हो और मेरी बात को मत दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं जय श्री महाकाल गुरु टीम की ओर से आप भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, सारे नेपाल वासियों का। बहुत बहुत जय भोले।